Hello and welcome friends, my name is Suraj Kumar Tiwari and you are watching Computer and Excel Solution Channel. Friends, आज हम बात करेंगे background पर, हम background को highlight कैसे कर सकते हैं और दूसरी बात कि हम किस प्रकार से हम जो है background के ऊपर लिख सकते हैं अलग अलग colors में HTML पर, उसके बारे में बात करने वाले हैं. तो चलिए इस वीडियो को start करता हूँ. देखिए ये हमारे पास code है. अगर इस code को मैं चलाता हूँ, यहाँ से देखिए मैं चला के दिखाता हूँ, ये देखिए ये वो code है जिसे मैं चला रहा हूं. और ये देखिए, ऐसा अगर आपको देखना है, ऐसा अगर कलर इफेक्ट चाहिए आपको, तो ये वीडियो ध्यान से देखते रहिए. हम HTML पे सीख लेंगे कि इसको हम कैसे बनाते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले नोटपैड प्लस प्लस को ओपन कर लीजिए आप, क्योंकि इसी पे हमें काम करना है. और यहाँ से मैं न्यू पेज ले लेता हूँ. सबसे पहले हमें यहाँ टाइप करना है HTML. यहाँ टाइप कर दिया हमने हेड और यहाँ पर टाइटल. और यहाँ पर नीचे जब आते हैं हम, तो टाइटल के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइटल क्या है. जैसे मैं दे रहा हूँ बैकग्राउंड कलर एंड फॉन्ट कलर. फॉन्ट कलर ये मैंने दे दिया, ठीक है. इसको यहाँ से क्लोज करिए, TITLE टाइटल, और फिर हेड को क्लोज कर दीजिए HEAD. फिर यहाँ पर आइए और इसके बाद आपको क्लोज करना नहीं है. अब आपको यहाँ पर लिखना है बॉडी, बॉडी टैग लगाना है, ठीक है. और बॉडी टैग लगाने के बाद जो काम आपको करना है, ध्यान से देखते रहिए इस वीडियो को. अब हमें हाईलाइट करने वाला काम करना है. तो क्या करेंगे हाईलाइट करने के लिए, वो ध्यान से समझिए. हाईलाइट अगर हमें करना है तो यहाँ पर हमें लिखना होगा बीजी कलर. बीजी कलर ये लिख दिया हमने. कलर की स्पेलिंग ध्यान रहे आपको, ये अमेरिकन इंग्लिश है. इज इक्वल टू सिल्वर दे देता हूँ मैं, सिल्वर, ठीक है. ये दे दिया हमने. अब इसको क्लोज कर दीजिए. अब जब नीचे आइएगा तो यहाँ पे लगा लीजिए आप टेबल टैग, TABLE टेबल लगा दिया हमने. अब टेबल में आपको कुछ नहीं देना है. अब यहाँ पर सिर्फ आ जाइए और TR लिखिए, और यहाँ लिखिए BG कलर. TR में भी BG कलर लगाएंगे. इज इक्वल टू हैश और ये 00. ये कोड आपको लिखना है, ये कलर का कोड होता है, ठीक है. और यहां जो है आपको कैपिटल F लिखना है, ये बात ध्यान रहे. ठीक है, तो ये कैपिटल F हमने लिख दिया. अब नीचे आएंगे तो यहां पर क्या करना है, अब हमें TD लगाना है. TD, ठीक है. तो ये TD लगा दिया. मैं लिखता हूँ सब्सक्राइब, या फिर मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन, ठीक है. यहाँ पर इसको यहाँ से क्लोज कीजिए, TD लिखिए और क्लोज कर दीजिए, ठीक है. तो ये क्लोज हो गया. अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि इसी को कॉपी करना है. पहले TR को क्लोज कीजिए यहाँ पे, और देन अब इसको कॉपी करना चालू कीजिए. यहाँ से उठाइए और ये पूरा कोड कॉपी कर जाइए आप. यहाँ से कॉपी हुआ, अब नीचे आइए, यहाँ पर Ctrl+V दबाइए, ये कॉपी हो गया. फिर एंटर कीजिए, Ctrl+V दबाइए, फिर एंटर कीजिए, Ctrl+V दबाइए, फिर एंटर कीजिए, Ctrl+V दबाइए. इतनी बार ये कोड कॉपी हुआ है. अब हमको एक जगह कोड चेंज करना है. देखिए कहाँ पर ये जो कोड हमने लिखा है ना, ठीक, इसके नीचे आ जाइए और यहां पर कोड को बदल दीजिए आप, ठीक है. यहां पर क्या कोड लगाना है हमें, यहां लिखना है हैश एक, अब यहां ए बनाना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है. और क्लोज है ये, तो बस आपको यही करना है. इसको उठाइए, कॉपी कीजिए और यहां लगा दीजिए. इसके बाद नीचे आइए और अब क्या करना है आपको, नीचे आकर के और यहाँ पर जो है टेबल टैग को सबसे पहले क्लोज कीजिए, TABLE टेबल, ठीक है. और टेबल टैग को क्लोज करने के बाद यहाँ पर आइए और अब क्लोज कर दीजिए आप बॉडी टैग को, और बॉडी टैग को क्लोज करके देन HTML को क्लोज कीजिए, और ये आपका प्रोग्राम बन करके तैयार है.
इसको सेव कर लीजिए किसी भी नाम से, जैसे मैं सेव कर देता हूँ 999.html लगाना ज़रूरी है। अब ये इसको मैं रन करवा रहा हूँ क्रोम पर, ये ब्राउज़र पे ही रन होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका कलर चेंज आ रहा है। इसका कलर क्यों चेंज आ रहा है, बाकी का यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ चेंजिंग है। तो आइए देखते हैं क्यों ये चेंज आ रहा है। देखता हूँ 1 2 3 चौथे नंबर में है, ये देखते हैं चौथे नंबर का कोड को। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये देखिए यहाँ डबल हैश हो गया है जिसके चलते ये चेंज आ रहा है। इसको मैं हटा देता हूँ और देन सेव कर देता हूँ। और अब आप देख सकते हैं इसको यहाँ से रन करवा के कि ये जो है इस तरह से रन हो जा रहा है। तो आई होप कि वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।